कहते हैं सूख तसव्वुफ उसकी पैदावार है, दूसरों ने कहा नहीं तसव्वुफ सुफा से निकला है। सुफा उस चबूतरे का नाम था जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो सहाबा रहते थे जो के अपनी जिंदगी गुजारने का सामान खुद नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किफालत करते थे और वो या तो इबादत में मशगूल रहते थे और या रसूलुल्लाह से इल्म हासिल करते थे। मेरा कहना यह है कि इसमें तीनों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। तसव्वुफ वो लफ्ज है जिसके अंदर कि ये तीनों माने पोशीदा है। एक बात तो ये, दूसरी बात जो है वो ये कि माफ कीजिएगा, नीले पीले कपड़े पहनने से कोई सूफी नहीं हो जाता जी, बल्कि सूफी कौन है इसके लिए हम कहीं और दस्तनद ही नहीं लाते बल्कि सैयदुत्ताइफा शेख जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर होते हैं और वहां से रोशनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स सैयदुत्ताइफा शेख जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं सूफी होना चाहता हूं। आपने कहा हो जाओ, इसमें क्या परेशानी की बात। उसने कहा क्या करना पड़ेगा, कहा कुछ नहीं, सिर्फ आठ खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो सूफी हो जाओ। आठ खसलत, उसने कहा वो कौन सी, कहा ईसार, इताअत, सूफ, सब्र, इशारा, कनाअत, गुरबत और फ़क्र। उसने कहा मैं समझा नहीं आप कैसे बात कह रहे हैं, कहा ईसार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए के अल्लाह ने कहा तो बाप के दीन को छोड़ दिया जी, हक की खातिर आग में कूद पड़े जी, अल्लाह ने कहा बीवी और नौजायदा बच्चे को एक बे आबो गया वादी में जब जली हुई पहाड़ियां और कंकरीली रेत के अलावा कुछ नहीं है छोड़ आओ, तो छोड़ने पे तैयार हो गए और जब बच्चा जो के बुढ़ापे की लाठी था बड़ा होने लगा और ख्वाब ने मुतवातिर और मुस्तकिल देखा कि उसे राय खुदा में कुर्बान कर रहे हैं तो उसके लिए तैयार हो गए। ये ईसार होना चाहिए जी, और इताअत इस्माइल जैसी होनी चाहिए थी। वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी कि सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फरमान। बाप ने जब बेटे ने कहा कि मेरा खुदा शायद तेरी कुर्बानी चाहता है अपनी राह में, तो बेटे ने कहा सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए जी, इसलिए कि जान अगर देंगे भी तो कौन सा कमाल करेंगे। गालिब के लफ्जों में जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हम अदा ना हुआ, हम कौन था अपने बाप से कुछ दे रहे, ये उसी की अता है उसी की नज़र है जी। तो इताअत ऐसी होनी चाहिए, हजरत मूसा जैसा होना चाहिए जिसका मैंने तस्करा किया, मोटा झोटा ऊनी कपड़ा पहनने वाला जी, और सब्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए जो सबको पता है कैसे जवाने राना थे, कैसे हतीम थे जी। लेकिन अल्लाह ने इम्तहान लेने के लिए ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया के बदन में न सिर्फ जख्म पड़ गए बल्कि जख्मों में कीड़े पड़ गए, और जब कीड़े निकल के जख्मों से बाहर आते तो वो उन्हें उठा के दोबारा उन जख्मों में रखते कि जब तुम्हारे मेरे खुदा ने तुम्हारी खुदा मेरे जिस्म के
खून और पीप में रखी है तो कहां जाते हो? मेरा खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। शैतान ने मुतेरा बरगलाया लेकिन बरगलाने में नहीं आया। तो सब ऐसा होना चाहिए। इशारा जिसे चुपका रोजा भी हम और आप कहते हैं, वो कुरान करीम की जबान में हजरत जकरिया से रिवायत है। अल्लाह से जब हजरत जकरिया ने दुआ की तो अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम चुपका रोजा रखो और इशारे से काम करो जी। और यहां एक बात मुझे कहने की इजाजत यही दे दी है, आगे बात बढ़ाने से पहले, सूफी के औसाफ में जो तीन चीजें नुमाया होती हैं वो क्या होती हैं? किल्लत कलाम, किल्लत तआम और किल्लत मनाम। वो कम बोलता है, कम खाता है और कम सोता है। तो मालूम हुआ कि हजरत जकरिया ने कहा गया कि चुपका रोबा रखो और अगर कोई बात कम्युनिकेट करनी हो तो इशारे से करो। तो मालूम ये हुआ कि सूफी की एक खूबी ये भी होती है कि वो बिला वजह की बातचीत में नहीं पड़ता है। उसके बाद हिदायत वो कनार आई, कनार हजरत ईसा की तरह जी। वो क्या? हजरत ईसा की जाती मिल्कियत सिर्फ दो चीजें थी, एक प्याला जिससे कि पी लेते थे और खा लेते थे, और एक कंघा, क्योंकि लंबे लंबे बाल थे इसलिए बालों की दुरुस्तगी के लिए उन्हें एक कंघे की जरूरत थी। एक दिन देखा कि कोई शख्स ओक से पानी पी रहा है, तो कहा अरे ये प्याला भी मेरे पास जायज है, जरूरत से ज्यादा चीज है। वो प्याला भी राह खुदा ने दे दिया और किसी को बालों को उंगलियों से बालों को आरास्ता करते देखा तो कहा ये बकंगा भी मेरे पास ज्यादा है, वो भी राय खुदा ने दे दिया। तो कनात की ये इंतहा होनी चाहिए जी। और गुर्बत, गुर्बत हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने से होनी चाहिए। गुर्बत के माने अजनबियत के, टू बी एन स्ट्रेंजर जी, अपनों के बीच में रहे और अजनबियों की तरह रहे जी, और उन्हीं के हाथों शहीद भी हो लेकिन हक के रास्ते नहीं छुआ। और फख्र जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए, जो जिन्होंने फरमाया अल फख्र फख्री, मुझे अपने फख्र पे फख्र जी। मालूम हुआ कि जब ये आठ खसलतें जमा होती हैं तो सूफी बनता है। और इसीलिए कहा गया है कि कैसे भरलाऊं में मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर पर सूफी होना, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं जी। ये है सूफी का मामला और ये है सूफी की हैसियत और ये है सूफी की अजाय तरकीबी और ये है वो कंपोनेंट्स जिनसे सूफी वजूद में आता है जी। दूसरी बात ये कि सूफिया के बारे में जो गलत फहमियां फैलाई गई हैं उनमें एक गलत फहमी ये भी फैलाई गई है कि उनके यहां चाहे ना चाहे इत्तबाए शेख जो है, पीर जो है, उसकी इत्तबा और पैरवी जो है वो हर कीमत पर लाजिम। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो सुल्तानुल मशायख हैं, महबूबे इलाही हैं, उनसे किसी ने पूछा कि बाबा ये आपके यहां जो इत्तबाए शेख पे इतना जोर है तो शेख अगर जहालत की बात करे या बदअकली का सबक पढ़ाए तो भी उसकी पैरवी करे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो जवाब दिया उसे गांठ में बांध के रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी को शेख बनाओ, किसी के सखात पर बैत करो, किसी से अपने आप को रूहानी एतबार से बावक्ता करो तो पहले उसमें तीन चीजें देखो।
और वो तीन चीजें जब यकजा पाओ तो उसको अपना तीर बनाओ। कहा वो क्या? कहा इल्म, अक्ल और इश्क। जब तीनों चीजें जमा हो तो तीर बनाना चाहिए, क्योंकि इल्म होगा तो जहालत का सबक नहीं देगा, अक्ल होगा तो बदअकली की बात नहीं करेगा, और इश्क तो भाई मेरे सब कुछ है जी, इश्क तो सब कुछ है, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनती है। इश्क इलाही भी और इश्क रसूल भी, याद रखिए, इनमें तो कोई वही नहीं। तो पता चला कि सूफिया ने भी इल्म पर बेहद जोर दिया। इसलिए ये कम ताज्जुब की बात नहीं है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया उस वक्त तक किसी को खिलाफत नहीं देते थे जब तक के उससे हिदायत पूरी नहीं पढ़वा लेते थे। आप माफ कीजिएगा, फिक्र हिदायत किसकी किताब है? फिक्र की किताब है, शरीयत की किताब है। तो पता ही चला कि सूफी को एक तरह से शरीयत का पूरा इल्म होना चाहिए। ये जो शरीयत और तरीकत के अंदर एक बोध पैदा करने की कोशिश की जाती है, तसादुम पैदा करने की कोशिश की जाती है, इसका सूफिया के यहां कोई गुजर ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, उनके यहां इसके लिए जीरो टॉलरेंस। ये ख्याल रखिए, ये बात समझने की। दूसरी एक बात और, यही क्योंकि मैं बात शरीयत की आ गई तो माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं अस्हाबे शरीयत से के साहेबाने तरीकत जो हैं उनके यहां इस्लाम के जो बुनियादी सुतून हैं अकीदे के, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके बारे में मौलवी का तसव्वुर और सूफी का तसव्वुर थोड़ा है। माफी के आपने वुजू किया, आप क़िबला रुख खड़े हुए, आपने नमाज सजदे और रुकू के साथ और क़याम के साथ उस तरह पढ़ी जैसे के पढ़नी चाहिए, और किसी काजी और मुफ्ती से पूछा गया नमाज हो गई मेरी, वो कहेगा नमाज हो गई। लेकिन अगर आपने गलती से किसी सूफी से पूछ लिया, सच्चे सूफी से जी, वो कहेगा कि ये बताओ कि जब तुम नमाज में खड़े हुए थे और नमाज की नियत की थी तो हुजूरिये कल्ब के साथ तुम क्या तवक्कुल का फिक्र थे? दुनिया से अपने आप को काट लिया था और सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल ना तुम्हारे दिल में था ना दिमाग में था? आपने कहा कि नहीं नहीं, उस वक्त ख्याल तो आ रहा था कि वो क्लास निकल जाएगी, फला टीचर का होमवर्क देना है जी, टीचर ने सोचा कि मुझे फला क्लास में किन इस मौजू पे जो लेक्चर देना है उसके क्या मौजूदात होंगे जी, वो कहेगा कि नहीं, अगर ये सब था तो नमाज नहीं हुई, दोबारा जाके तो यह सूफी का मामला है। इबादत के रोजे के बारे में तो हम जानते हैं कि सूफी आमतौर पर सायम उद्दहर होते थे, सिवाय मकरूह दिनों के हमेशा रोजा रखते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सब जानते हैं कि वो सायम उद्दहर थे और शाम को जब रोजा इफ्तारते थे तो वो भी करेले की कड़वी तरकारी और बेझड़ की रोटी होती थी, मोटी रोटी, उससे पूछ कर खाते थे जी। लेकिन जकात, जकात पर तो कोई इख्तलाब नहीं है, मगर एक आदमी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से यह पूछ लिया कि बाबा जकात का मामला है। सूफी मौलवी के नजदीक, साहिबान शरीयत के नजदीक ज़कात 2.5% है, आपकी उस बचत का
जो तमाम जायज जरूरतों के बाद आपके पास साल भर रहे, 52.5 तोले सोना हो या 7.5, वो 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या उसके उसी की मकदार चीजें हो। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर्द जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जकात 3 तरीके की होती है। कैसे? कहा एक जकात शरीयत, 2.5% निकालो और बकिया रख लो। दूसरी जकात तरीकत, 2.5% रख लो और बकिया निकाल दो। और तीसरी जकात हकीकत, सब कुछ राह खुदा में दे दो, अपने पास कुछ ना। ये है सूफी का मामला शरीयत। जी आइए अब जरा चले हज की तरफ। एक शख्स बहुत दिनों के बाद जुनैद बगदादी के पास आया तो हजरत जुनैद बगदादी ने उससे कहा, भाई कहां थे, नजर नहीं आए, बहुत दिन से गायब थे। उसने कहा कि साहब हज को गया था। कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, हज कराया। उन्होंने कहा, भाई जब हज की नियत की थी तो क्या ये नियत की थी कि आज से दुनियावी मकरूहात से मुंह मोड़कर खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ रुख कर रहे हो? कहा नहीं, ये तो नियत नहीं की थी। कहा फिर नियत कब? कहा जब तुमने सिले हुए कपड़े उतार के एहराम बांधा था तो क्या सोचा था कि आज से दुनियावी ख्वाहिशात का लिबादा वो उतार कर रिजाए इलाही के जामे में अपने आप को जेबतन कर रहे हो? कहा मैंने ये भी नहीं किया। तो कहा मेरे भाई एहराम का बांधा। कहा जब तवाफ कर रहे थे खाने काबा का तो क्या सोचा था कि आज से मेरी जिंदगी का मरकज़ो महवर सिर्फ ज़ाते इलाही होगी और कुछ नहीं होगा? कहा मैंने ये भी नहीं सोचा। तो कहा मेरे भाई तुमने तवाफ भी कहा। कहा जब तुमने सफा और मरवा के बीच में सही की थी तो क्या तुमने सोचा था कि आज से जिंदगी में उठने वाला हर कदम सिर्फ राहे इलाही में होगा, किसी और में नहीं? कहा मैंने ये भी नहीं सोचा। तो कहा मेरे भाई सही भी नहीं। इसी तरह जब तुमने रजम किया, शैतानों को कंकरियां मारी थी तो क्या तुमने सोचा था कि अपने नफ्से अम्मारा जो है उसको एक तरह संसार कर रहे हो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात जो है उनको एक तरह खत्म कर रहे हो? कहा नहीं, मैंने ये भी नहीं किया। तो कहा मेरे भाई रजम नहीं, जब कुर्बानी कर रहे थे तो क्या तुमने सोचा था कि हवाए नफ्स जो है, बुग्ज और इनाद जो है तबीयत के अंदर, जो एक तरह से गुरूर है, उसको एक तरह कुर्बान कर रहे हो? कहा मैंने ये भी नहीं किया। कहा मेरे भाई कुर्बानी भी नहीं की। अगली दफे जाना और फिर हज करना, ये है सूफी का मजहब, ये है सूफी की शरीयत और ये है सूफी का इत्तबा जिसको हमें गौर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आपको ये भी देखना चाहिए कि सूफी जो है उन्होंने ये तमाम चीजें जो हमारे सामने रखी है इसका शरीयत से कोई तसादुम है क्या? फिर हम तसव्वुफ को किस तरह से बारगाह शरीयत से बेदखल करने की कोशिश करते हैं? जी तरीकत बुनियादी तौर पर शरीयत की बुनियादी पाबंदी का नाम है, इस बात को खूब समझना चाहिए। और एक बात और देखनी चाहिए, वो ये कि सूफी जो है वो बुनियादी तौर पर किसी को जबरदस्ती कभी मजहब के दायरे में नहीं लाता।
चूंकि वो ये मानता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और ये किसी और ने नहीं कहा, ये अल्लाह ने कहा है जी। सूफी का मामला क्या होता है कि वो जबान से काम नहीं लेता, अपने किरदार को नमूना बनाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह है, आपका हल्का एक कर्ज जारी है, आपका एक मुसलमान सिपाही मुरीद अपने एक हिंदू सिपाही साथी के साथ खानकाह में हाजिर है और दर्स में मौजूद है। जब हल्का दर्स पूरा हो जाता है, लोग मुसाफे के लिए जाते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, तो वो भी जाता है और अपने हिंदू सिपाही साथी का तारुफ करता है और बताता है वो एक ही गांव के, तब एक साथ पैदा हुए और पले बढ़े और फौज में साथ गए। हजरत ने बड़े मोहब्बत से पूछा कि तुम्हारा साथी जो है कभी इस्लाम की तरफ इसके रगबत नहीं हुई? उसने कहा कि मैं इसीलिए तो इसे आपके पास लाया हूं कि आप इसे हिदायत फरमाएं और ये इस्लाम की तरफ आ जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रोने लगे और कहा कि ये तेरे साथ बरसों से है और इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं हुआ, और तू चाहता है कि मेरी एक मिनट की गुफ्तगू से ये इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाए। तेरा किरदार, अखलाक और मामला ऐसे होने चाहिए थे कि ये खुद बखुद इस्लाम की तरफ राग़िब। ये है सूफी का पूरा मौकिफ, ये है सूफी का पूरा किरदार। इसीलिए खानकाहों की एक और बड़ी खूबी रही है, आप पूरी तारीख में पढ़ लीजिए, खानकाहें पैरेलल इंस्टीट्यूशंस थी दरबार के मुकाबले। इसीलिए बादशाह और उमरा जो थे और उलमाए सू जो थे वो उनसे खारिफ रहते थे। इसलिए के बादशाह जब करता सूफी सब्र करता था, बादशाह हुक्म देता था सूफी मशवरा देता था, ठीक। और जो खानकाह में जाता था उससे उसका मजहब और नाम नहीं पूछा जाता था, खाने के लिए पूछा जाता था, ठीक। और जबर के मुलूकियत के उस माहौल में जब किसी मजलूम की, मखूर की, मजबूर की, नादार की सुनवाई कोई नहीं करने वाला था, उस वक्त वो खानकाह में जाता था और सूफी का कंधा उसके लिए तसल्ली का काम देता था। वो अपना दर्द भी बयान करता था, आंसू भी बहा लेता था, और ये एक तरह कहना चाहिए कि वो वेंटिलेशन काम करता था। एक और काम जो सूफियों ने किया, और वो क्या किया, वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने मखलूत मुआशरा और मुश्तरका तहजीब सकाफत को फरोग के बराबर अदा किया। हिंदुस्तान में बर्र जो मैं अहद वस्ता की बात कर, आप और फरमाइए कि उर्दू जबान और हिंदी जबान दोनों का जन्म कहां हुआ? खानकाह में। किसने किया? हजरत निजामुद्दीन औलिया की सरपरस्ती में उस जमाने के मैन ऑफ रेनेसां जिसका बाप तुर्क और मां हिंदी थी,
जो पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसका नाम हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, उसने पैदा किया जी। और नतीजा क्या हुआ कि उर्दू जबान को अगर आप देखें और हिंदी जबानों को आप देखें तो उनका जन्म खानकाह से हुआ। खानकाह से निकल के उर्दू बाजार में आई। बाजार में आकर उसने अपना जब तसल्लुत जमा लिया और अपना हल्का असर कायम कर लिया तो फिर पहले मोहल्ला में दाखिल हुई, फारसी को बेदखल किया और उर्दू में मोहल्ला बनकर दिल्ली के तख्त पर बाकायदा बैठ गई। खुद हिंदू को आपने हिंदी का मामला भी यह है कि एक बात तो मैं यही कह दूं, ये सूफियों से ही मैंने सीखा है और वो क्या सीखा है कि जबानों का कोई मजहब नहीं होता है, हर मजहब को जबान की जरूरत होती है। सूफिया ने इसी काम को किया, जिस इलाके में गए मां की जबान सीखी और अपने मजहब को और अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। दूसरे सूफिया ने आज के लोगों को समझना चाहिए जो सिवाय हमें लड़ाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल कर लेते, कि सूफिया ने हमें यह भी बताया कि जबाने संवाद के लिए होती हैं, विवाद के लिए नहीं होती। वो डायलॉग के लिए होती हैं, वो बुनियादी तौर पे झगड़े के लिए नहीं। ये सूफिया ने हमें बताया। इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प बात है कि हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अहदे मुस्ता में जो बड़े नाम मिलेंगे वो आपको सूफी रिवायत से जुड़े हुए मिलेंगे। दाऊद हो, मंझन हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, रसलीन हो, और कुछ दिनों पहले तक हजरत फजले हक गंज मुरादाबादी जी। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को हम सब जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी। तो ये सूफिया का एक बड़ा काम है कि उन्होंने एक बात इस मुल्क में शायद नई नस्ल को तो पता क्या, बड़ी नस्ल को भी, बड़े लोगों को भी पता नहीं कि बसंत का त्योहार किसने शुरू किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने शुरू किया जी। आप अगर हो तो, लेकिन हम में तो कितने लोग जो इसको समझने के लिए तैयार हैं, कबूल करने को तैयार हैं, मानने के लिए तैयार हैं। ये बुनियादी तौर पर चीजें हैं जिनको के समझना चाहिए। वो एक बात और बयान करता चलू, वो ये कि सूफी असल में हार्ड टास्क मास्टर होता है। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा कि बाबा मैं इस्लाम और मुसलमान की तलाश में हूं, कहां मिलेंगे। इमाम हसन बसरी ने कहा इस्लाम कुरान में मिलेगा, मुसलमान कब्रिस्तान में। गौर करने वाली बात है, बहुत सख्त बात है, लेकिन कभी गौर करें हम अपने मुआशरे पे तो हमें ये पता चलता है। दूसरी बात जो है, सूफिया का एक बड़ा काम ये है कि उन्होंने हमें नुमाइश से बचाने की कोशिश की। याद रखिए, दीन में नुमाइश की कोई हैसियत। बसरे का शहर है, गर्मी का जमाना है, लू चल रही है, दोपहर का वक्त है, एक औरत अपने हाथ में
पानी से भरी हुई बाल्टी, दूसरे हाथ में अंगारों से दहकती अंगीठी लेके चली जा रही। और उसका नाम लेके पुकारा, ए राबिया कहाँ जा रही? कहा, जन्नत और दोजख की तलाश में। खैरियत? कहा, जन्नत मिल जाए तो इस अंगीठी की आग से उसे जला के भस्म कर, और जहन्नुम मिल जाए तो इस बाल्टी के पानी से उसकी आग को ठंडा कर। खैर, ऐसा क्यों करोगी? कहा, ताके लोग जन्नत के लालच और दोजख के खौफ से खुदा की इबादत करना बंद कर दें, उसकी इबादत उसी तरह करें जैसे उसका हक है, इबादत को तिजारत न बनाए। माफ कीजिएगा, यह सबक किसने दिया? एक औरत ने दिया जो बड़ी सूफी थी, बड़ी सूफी थी, जिसके बड़े होने में मुझे कोई शुबा नहीं है और आपको भी कोई शुबा नहीं। तो एक ये बात जो है वो पेशे नजर रखनी चाहिए कि सूफिया जो है उनके यहां मयार जो है वो बहुत सख्त है और कोई बुरा नहीं है। असल इस्लाम की रूह जो है वो वही है। सूफी दीन को दुश्मन बनाता, ये ख्याल रखिएगा जब ये बातें मैं कह रहा हूं जी। लेकिन उसका मामला क्या है? उसका मामला ये है, जैसे मैंने कहा था कि वो ला इकराह के दीन का मानने वाला होता है, और उसने हमें क्या सबक सिखाया, हमें क्या दर्श दिया? हमें उसने बताया कि हाफिजा कर वसल ख्वाही सुला कुल बा खासो बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा ब्रह्मन रहा जी। हमें टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, हमें बुनियादी तौर पे एक दूसरे से जुड़ने की बात करती है करनी है। सूफी जुड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। आप देख लीजिए, मैं आपके सामने, मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि जिस चीज को आप अपने खित्ते में कश्मीरियत कहते हैं, वो कश्मीरियत बुनियादी तौर पे ऐसे ही लोगों की देन है जिन्होंने के शरीयत तरीकत दोनों को मिलाया और इंसानियत की फलाह का रास्ता दिखाया। उन्होंने आजाद छोड़ के लोगों को अपने साथ लिया। हुक्मरान क्या करते हैं? हुक्मरान जोर जबरदस्ती करके लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन सूफी जो है वो आजाद छोड़ के अपना बनाता है। ये बड़ी खूबी है, और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। इस वक्त दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है, और खास तौर से इस्लाम और मुसलमानों की जो घेराबंदी हो रही है, उसकी वजह यह है कि हमने उस रिवायत से अपना मुंह मोड़ लिया है जो कि लोगों को हमारे करीब जी। हमें बुनियादी तौर पर यह गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से इस्लाम के उस इंसान दोस्ती के मसलक को लोग अपने लिए रहनुमा बना सकते हैं और लोगों को करीब ला सकते हैं। वो मसलक क्या है? वो मसलक है लकुम दीनकुम। और एक बात जो मैं आपसे, जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं उनकी हिम्मत में बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, याद रखिए, रिलीजियस प्लूरलिज्म, मजहबी तकसीरियत इस दुनिया में हमेशा से थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि यही खुदाए बुजुर्गों बरतर की मंशा है और मर्जी है
वरना वो कादरे मुतलक जिसके बारे में हमारा यकीन है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अगर चाहता तो सबको एक सांचे में ढाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो रिलीजियस फ्लुइडिटी इज हियर टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द विल डिजाइन एंड डिजायर ऑफ गॉड, और जिसमें अल्लाह राजी उसमें बंदा राजी, ये हमें बात मान के। अब आप कहेंगे फिर मेरे मुसलमान होने का क्या फायदा है? मेरे मुसलमान होने का फायदा ये है और फर्ज है मेरा कि मैं हक को लोगों तक पहुंचा दूं। याद रखिए मेरा नहीं पैगंबरों का काम कम्युनिकेट करना था, कन्वर्ट करना नहीं था। कन्वर्ट तो वही होता है जिसे वो चाहता है, क्योंकि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। फैजाने मोहब्बत आम सही, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। रसूल ने तो हाथ फैलाए थे कि उमर इब्ने खत्ताब या अबू जहल इनको मुसलमान कर दे, अल्लाह ने वो खुशनसीबी सरफरादी सरबलंदी उमर इब्ने खत्ताब के हक में लिखी थी, इसलिए वो हुए। अबू जहल के लिए नहीं लिखी थी, इसलिए वो मर्दूद होकर मर गया। तो हमें और आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं कहता चलूं, और वो इसलिए कहता चलूं कि बहरहाल मौका है, और बकौल शायर अमीर जमाए अहबाब हाल दिल कह लूं फिर ये इल्तफात दिले दोस्ता रहे ना। अजीजाने गरामी एक बात का और ख्याल रखिए, सूफी मजहब में तफरीक नहीं करते थे, उनके यहां किसी मसलक की हिमायत बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रखती थी। आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसके पैरवी करते थे? इमाम अहमद बिन हंबल की। हम इमाम अहमद बिन हंबल वाले कौन हैं जी, जो आजकल जिन्हें आप बहावी कहते हैं, माफ कीजिए मैं मिसाल दे रहा हूं। लेकिन जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये अर्ज करना चाहता हूं कि याद रखिए इस्लाम में मुख्तलिफ मकातब फिक्र मुख्तलिफ सूफिया की रिवायत, इसके अलावा जो दूसरे मसालिक हैं, इन सब का होना किस बात की दलील है? इस बात की दलील है कि इस्लाम एक जमहूरी मजहब है, भी जमहूरी मजहब है इस्लाम, और जमहूरियत को हमेशा मगरिब के पैमाने से और ऐनक से न पैमाने से नापिए न ऐनक से देखिए। जमहूरियत से क्या मुराद है? जमहूरियत से मुराद यह है कि जब साइंटिफिक इंपीरिसिज्म जो है उससे काम लिया जाए और उसकी इजाजत दी जाए तो उसमें डिसेंट जो है इख्तलाफ जो है वो बरकत का बायस होता है, खैर का बायस होता है, रहमत का बायस होता है। और अगर आप माफ कीजिएगा बात तसव्वुफ से फिक्र की तरफ आ जाए तो उसके लिए माफी, मगर बताना जरूरी है वो क्या है। वो ये है कि रहना सहना खाना पीना ओढ़ना बिछोना ये सब कुछ कुल्लियतन मजहब तय नहीं करता है, बल्कि जुग्राफिया तय करता है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनका मैं मानने वाला हूं, मैं आपको बताऊं, वो दजला और फुरात के दो आबे में रहते थे, इसलिए उनके यहां वो रिजाई मसले थे ही नहीं जो के दूसरी जगहों पर थे। दो आबे में फसलें अच्छी होती हैं, हम सब जानते हैं, फल खूब होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है,
इमाम शाफई सैया फकी थे, वो घूमते फिरते थे, उन्हें पता था कि समंदर के किनारे रहने वाले जो हैं उनके रुदाई मसाइल क्या होते हैं। क्योंकि जब समंदर में तूफान आता है तो कई कई दिन तक मछेरे जो हैं समंदर में नहीं जा सकते, और जब नहीं जा सकते तो शिकार करके नहीं ला सकते और खा नहीं सकते। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कछुआ और केकड़ा खाया। हनफियों के यहां कछुआ और केकड़ा जायज नहीं। जब कुछ हनफियों ने शराफे में कहा ये क्या कछुआ और केकड़ा खाते हो, तो उन्होंने कहा भाई कुरान में कहा गया है पानी के तमाम जानदार तुम्हारे लिए जायज करार दिए गए। हनफियों ने फौरन पलट के कहा कि पानी के जानदार कहे गए हैं, कछुआ और केकड़ा तो खुश्की में भी जिंदा रह लेते हैं। ये किस वजह से था? क्योंकि हनफियों के हैं वो मसाइल नहीं थे, शवाफे ने इसको जायज रखा। नतीजा क्या है कि हिंदुस्तान जैसे हनफी गालिब तरीन हनफी अक्सरियत के मुल्क में समंदर के किनारे जितने मुसलमान बसते हैं वो सब शवाफे हैं। और माफ कीजिएगा, इमाम शाफई का अगर ये फतवा नहीं होता तो समंदर के किनारे और पानी के किनारे जो आबादियां होती वह इस्लामी ना होती। इसलिए इस्लाम को इख्तलाफ को खैर उम्मत कहा जाता इस माने। एक और मिसाल दे देता हूं, माफ कीजिएगा, वो ये के हनफियों के यहां पानी की कोई कमी नहीं थी, मैंने कहा तजला खुराक की वजह से, इसलिए पांव तक पानी बहाना जरूरी जी। लेकिन इमाम मालिक के यहां ऐसा नहीं, उनके यहां एक कटोरे में प्याले में पानी लाओ और उसमें से हाथ डालो और छींटे मार मार के नीचे तक कर लो, बाकी हो गई। नतीजा यह है कि सब सहारा अफ्रीका के अंदर हनफियत नहीं है, इमाम मालिक का मजहब है। पर अगर इमाम मालिक का फतवा नहीं होता तो सब सहारा के अंदर इस्लामी नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही कि इख्तलाफ को हमेशा मुखालिफत नहीं बनाना चाहिए। और आखिर में जो बात जिसके लिए मैंने इतनी तमहीर बांधी वो भी शुरू कर दूं, और वो भी तसव्वुफी का हिस्सा है एक तरह से, रवादारी वदादारी, लोगों से ताल्लुक बनाए रखना, हुस्ने सुलूक हुस्ने अखलाक, वो क्या है? वो ये है हमारे यहां इस वक्त हम जिस बहरान से गुजर रहे हैं उसमें खारजी बहरान एक्सटर्नल थ्रेट मुसलमानों के लिए इतने नहीं है खतरनाक जितने के अंदरूनी बहरान और इंटरनल थ्रेट है। और वो क्या है? वो ये है कि हमने बुनियादी तौर पर मसलकों के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ काम करने का फैसला कर रखा है, महाजाराई कर रखी है, और हम ये भूल जाते हैं अल्लाह ने अपने रसूल को काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए भेजा था, मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए नहीं भेजा था। और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हो, आला हजरत अहमद रजा का फाजिल बरेली हो, अलीगढ़ के मियां नबीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी हो, या फिर लखनऊ के शिया घराने के खानदान बाटे हो, ये सब हमारी अकीदतों के मेहबर हैं, हमारे अकीदे का मरकज नहीं जी। हमारे अकीदे का मरकज अल्लाह है, उसका रसूल है, उसकी किताब है, और हमें जिस मसलक को मानना है उसको हमें मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह खुद मान रहे हैं इसी तरह दूसरे को इसकी इजाजत देनी चाहिए कि वो अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजारे। दोस्तों, जब दीन में जबर नहीं है तो मसलकों में जबर कैसे हो सकता है? इस पर गौर फरमाइए। ये बुनियादी तरह जो आज हम सब मुसलमानों के सामने है ये गैर मामूली बात है। मैं यहां कहा गया था ये यूनिवर्सिटी छोटी है,
साहेबो छोटा कुछ नहीं होता है जी, जिसको मुसरत की हाफिल हो और जो इकबाल बंद भी हो वो यूनिवर्सिटी छोटी है। इस पर गौर कीजिए, हम मत भूलिए 30 मई 1866 को देवबंद के कस्बे में छत्ते वाली मस्जिद में अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से दोनों का नाम महमूद था, जिस इदारे का आगाज हुआ वो आज अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद कहलाता है जी। मत भूलिए 24 मई 1875 को अलीगढ़ में जेल रोड पर समी मंदिर के गैराज में 5 बच्चों से जिस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, जिसे मदरसतुल उलूम मुसलमानान का नाम दिया गया था, वो 1870 में नोवलिज और दिसंबर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया और अब यूनिवर्सिटी की हैसियत से एक सदी का सफर पूरा करने वाला है। और माफ कीजिएगा, तालीमी इदारे इमारतों से नहीं पहचाने जाते, इमारतें कब्रिस्तान भी बना देती हैं, तालीमी इदारे पहचाने जाते हैं अपने मियार से। और आपका मियार बदल है, और जिस आदमी की शक्ति बुजुर्ग की नाम से आपकी यूनिवर्सिटी डेडिकेट है, वो बुनियादी तौर पे वो था जिसने के सफर को जिंदगी का अपने लिए एक मकसद बनाया, जो जनूबी एशिया के एक हिस्से से आया और इस इलाके में बैठकर उसने इल्म इरफान की नई रोशनी दिखाई। और आज इल्म इरफान की वही रोशनी जो है वो बुनियादी तौर पर एक तालीमी इदारे के सूरत में सामने आ रही है, आगे बढ़ेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्यों कि मैं ये हमेशा मानता हूं इन बुजुर्गों से दोस्ती कर लो, इन बुजुर्गों से दोस्ती कर लो, गुड़ से खा लेंगे बादशाह। इन के साथ अपना रिश्ता बना लें। मुझे खुशी है कि यहां पर जो इस पर दोनों सरबरा हैं, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, वो अलीगढ़ वाले हैं। अलीगढ़ पर ये हिंदुस्तान का कर्ज भी है और अलीगढ़ वालों का फर्ज भी है कि 20 सदी से ज्यादा अलीगढ़ की खिदमत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने की है। अब अलीगढ़ वालों का फर्ज है कि वो आगे आए और सर सैयद के मिशन को इसी अध्याय और उसके लिए याद रखें कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी। आइए इस वादिये कोहिस्तानी में हम इल्म का वो चिराग रोशन करें जो हिरा के पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाए और दुनिया को ये बताए कि हम मुसलमान जो हैं तारीख के एतबार के नतीजे में आज चाहे इल्म के एतबार पर दबाल पदीर हो, लेकिन जिस मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब वो है जिसमें नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोजे का हुक्म, हज का हुक्म बाद में आया है, इकरा का हुक्म पहले आया है। आइए इकरा के मूल मंत्र को दुनिया में पहुंचाए और साथ में दुनिया के लिए मुसर्रत का और इकबाल बंदी का पैगाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।